हेलो एवरीवन, आप सभी का मोस्ट वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मिला रावत उत्तराखंडी में। और एक व्यूवर ने मुझे कहा था कि मैं कुर्ती पहनूं, लेगिंग पहनूं व्लॉग करते समय, तो आज मैंने पहनी है। ये मेरी ओल्ड कुर्ती है लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आज मैंने यही डाली है। और बोलने में मैं कई बार मिस्टेक कर देती हूँ, तो आप इग्नोर करिएगा। जो मेरा पिछला वीडियो गया था उसमें मैंने प्लांट्स की जगह प्लांटो कह दिया है, तो आप प्लीज इग्नोर करेगा, क्योंकि वॉइस ओवर करते समय थोड़ा मिस्टेक हो जाती है, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। और बाद में जब मैंने देखा तो मुझे पता चला कि मैंने ये ऐसे बोल दिया है। फिर मुझे लगा कि चलो कोई नहीं, अगले वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में बात करूंगी और आपको बताऊंगी कि थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, तो आप लोग इग्नोर करेगा। और अगर आपको व्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेगा। तो चलिए फिर ज्यादा बातें ना करते हुए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो अभी मैं आई हूँ ऊपर वाले फ्लोर में और कुछ इस तरह से फैला पड़ा है ऊपर वाला फ्लोर, अभी उतना कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये जो सामान है ना, उसको मैं साइड में लगा लूँगी, क्योंकि मैं थोड़ी सी धुलाई करूँगी इस रूम की, और अभी इसमें ना पेंट वगैरह होगा नहीं, तो इस वजह से जो स्टोर रूम का सामान था, मतलब जो मैंने नीचे वाले फ्लोर में ना स्टोर रूम बना रखा है, उसका सामान मैं यहाँ लगा लूँगी, इसलिए मैं ये धुलाई कर रही हूँ। क्योंकि जो नीचे वाला फ्लोर है उसको मैं बिल्कुल क्लीन करके रखना चाहती हूँ, और जो एक्स्ट्रा सामान पड़ा हुआ है उसको मैं यहाँ इस रूम में लगा लूँगी। और जैसे कि आप देख सकते हो कि ये वाला फ्लोर जो है वो मैंने सिंपल रखा हुआ है, इसमें कोई भी टाइल्स और पत्थर नहीं लगे हुए हैं, बिल्कुल सादा फर्श मैंने यहाँ पे करवाया है। इस हाउस में हम रहने तो लग गए हैं लेकिन काम अभी बहुत रह गया है करवाने को, तो धीरे धीरे सारा काम करवा लेंगे। तो ये है मेरे नीचे वाले फ्लोर का स्टोर रूम, और इसी को मुझे क्लीन करना है, और जो इसमें एक्स्ट्रा सामान है ना उसी को मुझे ऊपर रखना है, तो आज बहुत ज़्यादा मेहनत होने वाली है। और बच्चे भी हेल्प करवा रहे हैं सामान रखवाने में। तो चलिए यहाँ पे मैं म्यूजिक डाल देती हूँ, आप इंजॉय करिए। ये देखिए सफाई करने के बाद ना बिल्कुल यहाँ पे चमक गया है, और थोड़ा रूम भी साफ कर लूँगी मैं। तो रूम की क्लीनिंग मैंने आपको दिखाई नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है इस वजह से। तो यहाँ पे ना सू रैक है और इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है, तो यहाँ पे ना मुझे क्लीन करना है और लंच भी बनाना है, तो फटाफट से सू रैक साफ कर लेती हूँ। और ये देखिए बाहर टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, तो लंच की तैयारी करूँगी इसके बाद, और फिर पानी भरने का टाइम हो जाएगा क्योंकि 3:30 बजे तो पानी आ जाता है, और अभी कपड़े भी नहीं धुले हैं। तो यहाँ पे क्लीन करने के बाद ना मैं लंच बनाऊँगी, उसके बाद लंच करने के बाद फिर मैं कपड़े वॉश करूँगी। और अब लास्ट में गेट रह गया है, तो मैंने सोचा कि लगे हाथों मैं गेट को भी क्लीन कर लेती हूँ, और एक दिन क्लीन करने से तो क्लीन होगा नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है, तो डेली डेली ना गेट की सफाई करूँगी तब जाके साफ होगा, क्योंकि बहुत धूल मिट्टी इस पर लगी हुई है। तो
कैसा लगा आप सबको आज का ब्लॉग। आई होप कि आप सबको पसंद आया होगा। तो अब इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट।